प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणिक का प्रयोग करते हुए के का मान ज्ञात कीजिए, यदि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। देखो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो बोला गया होगा कि एम ऑफ ए बी इक्वल टू एम ऑफ ए सी इक्वल टू एम ऑफ बी सी हो तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, संरेखीय होंगे। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया कि आपको सारणिक का ही प्रयोग करना है, बिना सारणिक के प्रयोग से आप क्वेश्चन को अगर हल करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो सारणिक का प्रयोग करते हुए तीनों बिंदु संरेखीय हैं, कैसे पता करेंगे देखिएगा। आगे देखिए, अब हम संरेखीय की कंडीशन यूज करेंगे। चूंकि बिंदु, या आप इसको बिंदु की जगह क्या बोल सकते हो, चूंकि के 2-2k के प्लस 1 2k तथा -4-k 6-2k संरेखीय है, इसलिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो गया, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। और अब आप सूत्र लगा दो 1/2, उसके बाद देखिए के 2-2k और यहां पर 1, ऐसे के प्लस 1 और यहां पे क्या होगा 2k और 1 और -4-k और 6-2k और 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसे सोल्व कर लो, ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा, इस 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2 कहां चला गया, 0 में। तो आपके पास बच क्या गया, के 2-2k 1 -k प्लस 1 2k 1 -4-k 6-2k और यहां पे 1 इक्वल टू 0। एक बार आप ध्यान से देख लो, ये 2 था, इसको 0 में भेजा और जैसे ही 0 में गया है ये, उसके बाद में हमने ये निकाल दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए के उसके बाद मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, 2k माइनस 6-2k कंप्लीट। उसके बाद देखिए -2-2k, उसके बाद देखिए ये कॉलम हटा दिया और ये पंक्ति हटा दी, अब बच क्या गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -k+1 माइनस और -4-k और प्लस 1 इंटू क्या होगा, ये स्तंभ हटाया और ये पंक्ति हटा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -k+1 उसके बाद 6-2k -2k इंटू -4-k और ये क्या होगा, 0 के इक्वल। अब बस इसे सोल्व कर लो और आंसर निकाल लो, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं है। देखिए k और यहां पे क्या होगा, 2k -6+2k -2-2k, इसे सोल्व कर लो, -k+1, ये देखो इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या होगा, +4+k, ऐसे ही अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के लिए अभी तो आप ऐसा लिखिए, प्लस
माइनस के प्लस वन और सिक्स माइनस टू के और माइनस टू के और इसमें से भी प्लस कॉमन ले लो तो क्या होगा, ये माइनस दस से कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो क्या होगा फोर प्लस के इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से के और यहां से क्या हुआ फोर के माइनस सिक्स, ऐसे ही यहां से देखो माइनस टू माइनस टू के और देखिए के से के कैंसिल आउट हुआ तो यहां पे मैं फाइव लगा देता हूं और प्लस माइनस के प्लस वन सिक्स माइनस टू के प्लस टू के इंटू फोर प्लस के इक्वल टू जीरो। अब इसे सोल्व कर लो, नेक्स्ट फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस टेन प्लस टेन के माइनस दस प्लस दस के और यहां से क्या होगा माइनस के से मल्टीप्लाई करो माइनस छ के प्लस दो के स्क्वायर प्लस छ माइनस दो के प्लस आठ के प्लस दो के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसे और आगे सोल्व करो तो देखो आप ध्यान से के स्क्वायर उसके बाद के स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो गया चार तो छह और दो आठ के स्क्वायर। अब के पे बारी है देखो के एरा ये लो पॉजिटिव के ढूंढो पहले कितने हैं दस के और आठ के कितने हो गए अठारह के, अठारह के में कितने घटेंगे छह के तो ये नेगेटिव पर रहा उसके बाद छह के ये रहा और दो के ये रहा तो छह और छह बारह और दो फोर्टीन के हो गया तो आपको यहां पर क्या मिलेगा फोर के कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो कॉन्स्टेंट कितने हैं माइनस दस तो ये रहा छह ये रहा तो यहां से माइनस चार इक्वल टू जीरो तो आप क्या लिख सकते हो इसमें से चार को ले लो टू के स्क्वायर प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे अब आगे देख लो इसके रिजल्ट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद देखिए ये चार इसमें चला जाएगा जीरो में तो जीरो बटा चार हो जाएगा ना तो क्या मिला यहां से टू के स्क्वायर प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो तो टू के स्क्वायर प्लस टू के माइनस के और माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहां से टू के क्या आ गया के प्लस वन या माइनस वन और के प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप सोल्व कर सकते हो टू के माइनस वन और यहां पे क्या हुआ के प्लस वन इक्वल टू जीरो देखिए टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो या के प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहां से क्या होगा टू के इक्वल टू वन और के इक्वल टू क्या आया वन बाई टू ऐसे ही के इक्वल टू क्या आया माइनस वन तो आपका आंसर क्या है ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर दिया है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करेंगे।